गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए शुरुआत करते हैं। द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड। हमारे पास एक टावर खड़ा हुआ है, ये टावर है, ठीक है। तो इसके ऊपर ना कोई नीचे कुछ बनाया हुआ है, सिर्फ उसी के ऊपर खड़ा हुआ है। और फाउंड टू बी 640 मीटर। अब सन यहाँ होगा या यहाँ होगा, इस साइड या तो इसकी छाया इस साइड जाएगी, साइड हो या इस साइड जाएगी, हम इस साइड एज्यूम करके चलते हैं। तो एक 30 डिग्री एंगल पर और एक 60 डिग्री एंगल पर। तो यहाँ से एक ले ले, दो पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये तो हमारा है और ये हमारा ऐसे छाया बनेगी। तो ये तो 30, क्योंकि दूर वाला एंगल छोटा होता है और ये बड़े वाला नज़दीक होता है। तो ए बी सी और ये डी। ये कहता है कि ये 60 की जो डिग्री पे जो एंगल बनता है उस पे जो शेडो आती है वो 30 वाले से 40 मीटर ज़्यादा है, ये 60 वाले से 30 वाले ज़्यादा है, कितनी 40 मीटर। और हमसे कहा गया कि ये जो टावर है ना इसकी हाइट निकाल ली है आपने, तो इसका एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट द हाइट ऑफ टावर BC बराबर कितना मान लिया हमने एच मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको भी मान लीजिए आप, DB को भी, एंड DB या BD बराबर हमने एक्स मीटर मान लिया, और AD कितना दे रखा है 40 मीटर। तो AB क्या हो जाएगा बच्चों, AB हो जाएगा AD प्लस BD मतलब 40 प्लस x, ठीक है। अभी जो एंगल दे रखा है उनको लिख लीजिए, क्या दे रखा है एंगल CAB बराबर कितना है 30 डिग्री, एंड एंगल CDB बराबर कितना है 60 डिग्री। अब क्या करना है, सिर्फ हमने देखो इसमें इस टाइप के सवालों का सबसे आसान तरीका वो होता है कि जो कॉमन साइड होती है दोनों ट्रायंगल के अंदर उसको निकालेंगे और बाकी इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो ये BC छोटे वाले ट्रायंगल में भी आती है और बड़े वाले में भी आती है, तो हम इसी को निकाल लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल ABC हम BC निकाल लेते हैं, BC बटा में AB, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा बच्चों 10, कितना डिग्री 30, क्योंकि बड़े वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम। तो BC हमने माना हुआ है H और AB कितना है 40 प्लस का X, और tan 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H इंटू रूट थ्री 40 प्लस X, तो H बराबर आ जाएगा 40 प्लस X अपॉन रूट थ्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये मीटर आ जाएगा। अब सिमिलरली क्या करेंगे, छोटे वाला ट्रायंगल ले लेंगे हम, तो लिखेंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल CBD। अब अगर फिर H निकाल लेंगे BC बटा में BD, सेम वही लंब बटे आधार 10 60 डिग्री। तो BC हमारे पास H है और BD कितना है X, तो 10 60 की वैल्यू होती है रूट बाई रूट थ्री होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से तो ये हमें मिलेगा H बराबर एक्स रूट थ्री मीटर, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो ये भी H है और ये भी H है, तो दोनों बराबर होने चाहिए ना, बिल्कुल होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों को हम बराबर रखेंगे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्स रूट थ्री इक्वल टू 40 प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये रूट थ्री एक्स रूट नाइन हो जाएगा और ये 40 प्लस एक्स, तो ये 3x हो जाएगा और ये 40 प्लस एक्स, इसके इधर ले आएंगे 3x माइनस का x 40, ये 2x बराबर 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 अपॉन 2 यानी 20, x की वैल्यू आ गई 40 20। हमें निकालना क्या है h,
तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, हम सेकंड रख देते हैं, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है बच्चों, h बराबर दे रखा है x रूट थ्री, तो यहाँ वैल्यू रखें तो क्या आ जाएगा 20√3 meter। लिखेंगे हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 20√3 meter। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए ये एग्जांपल 5 पूरा हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जांपल 6 और 7 के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।